जान है, कातिल को कर दे तुम खत्म, डरना मना है, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया विकास, तू तो कह रहा था वो लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी यार। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें पसंद करेगी? एग्जाम्स के बारे में सोच रहा है यार। रोमी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुमने एग्जाम में क्या लिखा होगा। क्यों, तुम वहाँ इसकी कॉपी देख रही थी क्या? नहीं नहीं मैडम, एग्जामिनर है ना, पूरा पेपर पढ़ लिया इन्होंने। इसकी कॉपी नहीं, इसे देख रही थी। पता है क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ये क्लासरूम में कम और बाथरूम में ज्यादा था। वो क्या है ना कि क्वेश्चंस तो सारे क्लासरूम में थे पर आंसर्स वो सारे बाथरूम में थे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? तुमने चीटिंग की? हाँ मैंने चीटिंग की, पर तुम्हें बताना भूल गया मैं। विकास प्लीज प्रिंसिपल को मत बताना प्लीज। अरे क्या यार विकास, ऐसे मत देख यार। क्या है ना कि मुझे डर लगता है यार। ये तुम लोग मजाक मत करो यार, जरा बच के रहो, इसके पास चाकू है। अरे विकी से तो सिर्फ एप्पल ही कटेगा। जरूरत पड़ने पर इससे गला भी कट सकता है। विकास तुम क्यों इनकी बात में पढ़ते हो यार? आए हाय, अब तो ये बिल्कुल नहीं बोलेगा।
हाँ यार, श्रुति की बात जितनी विकास मानता है उतनी सुमन भी नहीं। अभी मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे यार, विकास को घसीट घसीट के थोड़ा बोर हो गए ना इसलिए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार, क्या हुआ यार, गाड़ी क्यों रोक दी? अभी देखता हूँ। टायर पंचर। चलो चलो, सब नीचे उतरो, टायर बदलना है, चलो मदद करो सब। अरे यहाँ तो बड़ी ठंड है यार। यार इस ठंड में मुझसे तो कुछ काम नहीं होगा यार रूमी, तो इस विकास को बोल जो भी बोलना है। जहाँ पना विकास, आप उतरने का कष्ट करेंगे क्या? बहुत ठंड है ना यार, मुझे तो ये ठंड बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है, कितना सामान रखते हैं? कितनी देर लगेगी? एक घंटे में ठीक कर दूंगा। एक घंटा? What do you mean, एक घंटा? से तो चुप। अरे एक टायर ही तो बदलना है, इसके लिए इतना टाइम? अभी तो चुप, मैं तो बहुत मारूंगा। मार मैं भी सकता हूं। यहां पर तो और भी ठंड लगने लगी है ना? ठंड? मेरे पास जैकेट है, निकालूं? हाँ। जैकेट, जैकेट। जैकेट नहीं तो को यार, बड़ी भूख लग रही है यार, मेरे को एक सैंडविच दो ना। अरे देख ना, तेरे पास सैंडविच होगा। अरे छोड़ ना सैंडविच, इधर चाक नहीं मेरा, मेरे को एक सैंडविच देना यार। ठंडी बहुत है। सैंडविच चाहिए मोटे को। अरे मैं कब से मांग रहा हूँ, एक सैंडविच दे दो यार। छोड़, ये जैक मिला क्या? वही तो देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। कोई फिकर ही नहीं है यार। अरे मोटे बहुत मारूंगा, चुप कर। अरे तू ठीक से देखना है, नीचे नहीं है यार। अरे लेफ्ट राइट में देखना है। अरे नहीं है यार। अरे थोड़ा आगे देखना है। और कहाँ, बोनट में देखूं? हाँ बोनट में देखना। ए विकास, विकास जरा आगे देख, उधर जैके के देख उधर। अरे मुंह क्या लटका है, देखना जैक के बाजू में एक सैंडविच होगा। सैंडविच की तो मोटे, रेस्टोरेंट बंद है, तू बैठ इधर प्लीज यार। सुमन तू जैक ढूंढ ठीक से। अरे देख रहा हूँ यार, यही तो रखा था। शॉर्टकट लेने का आइडिया किसका था? मेरा। क्यों? इसने तो कहा था 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। और अब नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे सुबह तक। टेंशन मत लो बच्चा, थोड़ी देर में कोई ना कोई गाड़ी तो आ ही जाएगी, मदद तो कर ही देगी यार। हाँ हाँ, हमारे जैसे और भी समझदार लोग होंगे ना जो इस रास्ते से आएंगे। चुप कर अभी। क्या हुआ, जैक लाना भूल गए? हाँ यार। यार मैं तो हमेशा से कह रहा था प्लेन से जाते, ये गोवा तक गाड़ी से जाने की जरूरत क्या थी? मैं तो आना भी नहीं चाहता था, फंस गया यहाँ तुम लोगों के साथ। अभी बहुत हो गया, तेरा मार खाएगा तो समझा। कितना बोलता है यार। अच्छा यार, एनीवे कल मेरे मम्मी डैडी वापस आ रहे हैं, अगर मैं नहीं पहुंची तो। ये गोवा जाने का आइडिया किसका था? इसका। क्या? नहीं मेरा। रियली सॉरी गाइस, अब तो बैंड बज गया यार। नहीं बजा। अरे बजाना बाबा। अरे नहीं बजा। अरे बजाना बाबा, एक मिनट तू आ मेरे साथ। किधर? अरे आ ना, वहां वो लाइट दिखता है। कहाँ? अरे वहाँ यार। अरे हाँ चलो देखते हैं, वहाँ कोई ना कोई तो होगा। हाँ चलो देखते हैं। इस जंगल में कौन रहता होगा यार? जो भी होगा उसके पास कोई फोन वोन तो होगा। जंगल में आदमी का नाम निशान तो है नहीं, पीसीओ जरूर होगा। अरे चलिए यार, यार, यार मुझे लगता है यहीं रुकना चाहिए प्लीज। कम ऑन, माफ करो मेरी माँ, इस मेंटल को यहीं छोड़ दो, मेरी माँ तकलीफ है उसको यहीं पे पड़ा रहने दो प्लीज। चल ना विकास, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं आना है। विकास अब चलो भी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। पागल यार विकास, हम सब तेरे दोस्त है यार, कम ऑन। मालूम है। अरे बहुत भारी डायलॉग, चल सुमन ढक्कन बंद कर। इसको अपने साथ लाने से अच्छा ना पागल खाने भेज देना चाहिए सच में।
शेर होंगे ना? हाँ हाँ शेर तो होंगे, मगर आएंगे तो उन्हें बोल देंगे कि आपको ना खाएं, उनका डिनर गाड़ी में पड़ा। हे गाइस, क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो। क्या? क्या? वही तो यार, इतने घने जंगल में ना शेर ना चीता, कोई चूहे तक की आवाज नहीं आ रही यार। चल चल आगे चल। अच्छा सुनो, तुम लोग गाड़ी पे चलो, मतलब तुम लोग आगे चलो, मैं गाड़ी से होके आता हूँ। क्या हुआ? दो मिनट, जैकेट लेके आता हूँ। जैकेट? जैकेट तो पहना हुआ है यार। नहीं नहीं ये नहीं, एक और जैकेट, मैनास के लिए जैकेट। मैनास चल 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 चल। हाँ मेरे लिए जैकेट। चलो तू मेरे साथ। चलो यार अपन तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक के ऊपर एक कितनी जैकेटें पहनेगा पता नहीं, कमजोर आ रही है। यहाँ पे कौन रहता होगा यार? यहाँ पर फोन तो क्या, इंटरनेट भी होगा, काफी डेवलप्ड एरिया है। कम ऑन लेट्स गो। चलो देखते हैं। ये लाइटें जल रही है तो यहाँ पे जरूर कोई रहता होगा। कोई ना कोई प्राणी तो जरूर मिलेगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स। वाओ भूत बंगला है। दिस इज लाइक अ फंकी लुकिंग हाउस यार। व्हाट अ प्लेस वी फाउंड मैन। यहाँ पर कोई फोन वोन तो नहीं दिखाई देता मुझे। प्लीज यार इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस। लेकिन अब आ ही गए हैं तो लालटेन वाले का वेट कर ही लेते हैं। क्यों श्रुति जी, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। अमेजिंग। क्या लालटेन वाले को ढूंढ रहा है? तुमने वो आवाज सुनी? एक मिनट रोमी, मैं नाज यार, तुम लोग भी ना डर गए, डर गए। पता है ये लोग डर गए। शक्ल देखी तूने अपनी? पीला हो गया, पीला। देखो अपनी शक्ल, इधर मारो, इधर मारो, इधर मारो। पीला के रखा है क्या तुम लोगों ने? पर ये लालटेन किसका होगा यार? अरे छोड़ो ना, जिसका भी होगा आ ही जाएगा। क्यों? आने के बाद क्या वो हम सबको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाएगा? यहाँ पर काफी ठंड है यार, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में? हाँ जी, मैं अभी हीटर ऑन करता हूँ ना आपके लिए। हे गाइस, लेट्स हैव अ बॉनफायर यार। या कूल आइडिया, लेट्स डू इट यार। अंताक्षरी खेले? यार चार पांच लोग खाली बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंताक्षरी ही खेले। सही बोल रही है यार, बोरिंग। मेरे पास एक आइडिया। क्या? क्यों ना हम क्रिकेट खेले? क्या क्रिकेट? नहीं, फुटबॉल। रोमी, वॉलीबॉल। डार्क रूम, आइस हॉकी। डॉक्टर डॉक्टर, वाटर पोलो। नहीं असली में आइडिया, सच में। हाँ बता। श्रुति मुझे कहानी सुनाई थी ना तूने दो दिन पहले। कहानी? बुड्ढे की कहानी। बुड्ढे की कहानी? वो जब रोहित और तू गोवा जा रहे थे। गोवा गोवा गोवा, वो बुड्ढा मिला था ना। अरे वो बुड्ढा गोवा, अरे यार याद करना है। अरे हाँ हाँ, रोहित और मैं गोवा गए थे, याद आया याद आया। तेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बुड्ढा मिला था। बुड्ढा उस टाइम जैक था लेकिन स्वेटर नहीं था। हाँ समझे बच्चों, जैक रोहित और श्रुति लव ट्रायंगल। एनीवेज क्या हुआ था कि पास में गराज था और उस गराज का ओनर वही बुड्ढा था। हाँ बुड्ढा गराज का ओनर, करेक्ट करेक्ट। हाँ और उसने हमें ये कहानी सुनाई थी, करण और अंजलि की। लव स्टोरी है क्या? नहीं बाबा, लव स्टोरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत डरावनी स्टोरी। डरो मत या नेहा। व्हाट आर रोमी? नहीं, डरावनी स्टोरी है। अरे सुनो तो सही ना, क्या हुआ कि कॉलेज में प्यार हुआ और प्यार के बाद शादी और शादी के बाद हनीमून। अंजलि थोड़ी देर के लिए तुम क्यों नहीं सो जाती? तुम भी तो नहीं सोए हो। मैं और सो जाऊं?
दो घंटे लगेंगे? हाँ करीबन 3-3.5 घंटे। और 3.5 घंटे उस ढाबे पे तो 1 घंटा बर्बाद हो गया, और वो खाना भी इतना अजीब था। अरे अच्छा वहाँ खाना खा लिया। अब तो इस सुनसान जगह पे कोई होटल या कोई ढाबा कुछ भी नहीं है। You're right. And don't worry, honey. The roads are pretty empty. I'll make it up to you. कुछ म्यूजिक व्यूजिक हो जाए। I don't know how I forgot. कैसे बेड पे निकाल के रखे थे। I'm so sorry. मैं गाऊं? अंजलि तुम्हें डराऊं? डराऊं तुम्हें? देखो करण हेडलाइट चालू करो। क्यों डर गई? करण हेडलाइट ऑन करो। आई स्केयर्ड? करण अंधेरे में डर गई? करण दिस इज नॉट फनी। ओके ओके करण कम ऑन। ओके ये लो ये डर गई। कम ऑन यू गॉट स्केयर्ड, कम ऑन एडमिट इट, अंधेरे में तुम डर गई थी। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? It's just that accident हो सकता था यार, इतना अंधेरा और तुम। बात मत पलटो। हाँ पलटू सिंह। अरे मैंने कहा ना इसमें डरने वाली कौन सी बात है, रोड पे क्या होता है? भूत। ये क्या हुआ? अरे ये गाड़ी को क्या हुआ? अजीब है, अभी भूत का नाम लिया और गाड़ी रुक गई। हाँ enough करें। गाड़ी को जंगल में ही खराब होना था। क्या हुआ होगा? ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हमने गाड़ी की हेडलाइट ऑफ की थी तो किसी भूत भूत को ठोक दिया? अरे तुम डरती वरती नहीं हो क्या? थैंक्स। भाई ठंडे यार। Is it the ignition? Karan? क्या प्रॉब्लम है? करण कुछ बोलो भी यार। If this is one of the stupid jokes, na, I'm not gonna forgive you. It's bloody cold, yeah. Karan, come on, yaar. What is the problem? जोक्स बंद करो यार। करें करण मजाक छोड़ो यार। करण 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 आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस। करण अंजलि।
करण अगर ये मजाक है ना करण, जंगल में क्या कर रही हो? तुम चिल्लाए थे। मैं चिल्लाया? तुम्हारी चीख की आवाज सुनके मैं दौड़ते दौड़ते आया हूँ। मैंने क्या हो गया अंजलि? तुम जंगल में क्या कर रही हो? मैंने चिल्लाई थी। तुम चिल्लाए थे। गाड़ी के पास तुम नहीं थे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी में पानी नहीं था अंजलि। मैं पानी लाने गया था। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं यहाँ। ये टॉर्च वहाँ पे थी करण, वहाँ पे पड़ी थी और तुम नहीं। अंजलि, अंजलि। और हाथ, हाथ तुम्हारा हाथ इसमें था करण। मैं यहाँ हूँ, I'm here। करण, let's go from here। करण, let's। Tell me what happened। चलो करण, let's go from here। Just let's go from here। Let's go from here। ये पकड़ो, अंजलि। चलो करण। अंजलि, मुझे अब तो बता क्या हुआ उधर? तुमने क्या देखा अंजलि? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? Let's go करण। प्लीज सेव मी नाउ अंजलि। चलो करण, ये जगह करण, लेट्स गो करण। हाँ, एक मिनट करण, नर्स। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, एक मिनट। क्या किया अंजलि? अंजलि, मेरे पास आओ, मैं हूं ना। तभी तो उसका चेहरा आईने में नहीं दिखाई दिया। गाड़ी कौन चला रहा था? Obviously करण का भूत। यार, ये तो बहुत डरावनी कहानी है। सचमुच यार। और पता है, जब हम उस गैराज से निकलकर आगे के पेट्रोल पंप पे रुके तो उन लोगों ने बताया कि वो गैराज तो 3 साल से बंद पड़ा था।
और वो बुढ़ा, वो तो 2 साल पहले ही मर चुका था। ओ माय गॉड, ये तो बहुत डरावनी कहानी है यार, मुझे नहीं सुननी है। और तीसरा ट्विस्ट भी सुन लो। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ ये डरावनी कहानी नहीं सुननी। अरे क्या नेहा, इतने में डर गई, सुन तो ले यार। अरे नहीं, सुनो तो। सुननी। अरे बैठ ना, बैठ बैठ, मैं कहानी सुनाता हूँ, सच्ची डरावनी कहानी नहीं है, लव स्टोरी सुनाऊंगा, लव स्टोरी। मैं गाड़ी तक जा रही हूँ। नेहा रुको। अरे बैठ ना, इसमें फूल है, बहारे हैं। रोमी प्लीज मेरे साथ गाड़ी तक चलना। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। अरे वो करेला बैठा होगा गाड़ी में, दिमाग खा गया वो, मैं नहीं आ रहा, तू अकेले जा। अकेले अकेले। बाय नेहा। लेकिन यार श्रुति, तेरी कहानी का तीसरा ट्विस्ट क्या था? और स्टोरी का तीसरा ट्विस्ट ये है कि रोहित और मैं कभी गोवा गए ही नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। अरे रुकना, बैठना तू यहाँ, बैठना। Don't go, please, don't नहीं यार, वो नेहा अभी तक गाड़ी तक नहीं पहुंची होगी, मैं जा रही हूँ। अरे बैठ, अच्छा मेरे को कहानी सुना दे, आफ्टर माय स्टोरी। अच्छा मैं ब्लैंकेट लेकर आती हूँ, ठीक है, फिर मैं यहीं पर सोती हूँ। अच्छा सुन, मेरी कहानी सुन ले, फिर मैं तेरे साथ जाऊंगा ब्लैंकेट लेने बाबा। प्रॉमिस प्रॉमिस। अच्छा प्रॉमिस। अच्छा ये जो कहानी है बहुत डरावनी कहानी। ये कहानी भी तूने अभी बनाई होगी? नहीं नहीं अभी नहीं बनाई, ये ट्रू स्टोरी है। हाँ हाँ वही कहानी है ना, बोल बोल। मालूम है ये कहानी है अनिल की। अनिल कौन? अनिल कपूर। अनिल कपूर शाणे, अनिल कपूर, अनिल मनचंदानी, सन ऑफ किशोर मनचंदानी, कोई फर्क पड़ा तेरे को क्या? अच्छा सुना सुना, अनिल आ रहा था नासिक से। सॉरी, एक कमरा चाहिए प्लीज। वन नाइट यस। जी भरती जी, कोई वेटर या बेलबॉय नहीं? नहीं, धंधा कुछ खास नहीं है, सारा काम खुद कर लेता हूँ, अच्छा भी लगता है। लाइट नो है सर। आप क्या करते थे? फैशन फोटोग्राफर। वेलकम वेलकम।
आइए सर। रूम में भी वो क्या है ना सर, जो कॉरिडोर में नहीं पढ़ पाते ना, वो उन लोग के लिए। यार यहाँ पे कोई तो कमरा होगा जहाँ पे मैं सिगरेट पी सकता हूँ। क्या है ना, पूरा होटल नो स्मोकिंग होटल है ना सर। गुड नाइट। नो स्मोकिंग होटल। ग्रेट। क्या सर, जाने के पहले क्या बोला था मैंने आपको सर? किस बारे में? सिगरेट के बारे में सर। तो क्या रखना भी मना है? ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, तो मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, लेकिन पैकेट तो मेरा है, ये मुझे वापस दीजिए। कहा था ना सर? वापस दीजिए। मैंने कहा था ना सर, बोर्ड कहा था ना मैंने सर, अभी आप कल सुबह जब चेकआउट करेंगे तब आपको मैं पैकेट दे दूंगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अच्छा शो है, बचपन में बहुत देखता था। बचपन का समय सबसे अच्छा होता है ना सर। माँ बाप जो कहते हैं बच्चे सुनते हैं, बड़े हो जाते हैं तो। बहुत सही कहा आपने। मुझे अपने सिगरेट्स चाहिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, मैं होटल के बाहर जाकर सड़क पे पी लूंगा। जैसे बाहर पीने से आपको लंग कैंसर नहीं होगा? लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो क्या है वो अस्थमा, पता है आपको? सिगरेट पीने से लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। मेरे पिताजी भी सिगरेट पीने से मर गए थे। I'm extremely sorry to hear that. वैसे आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या है, किसी भी आदत को छूटने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। बिल्कुल नहीं, गंदी आदत छोड़ने में कड़ा अनुशासन चाहिए सर। ऐसी आदत होती है जो घड़ी देखकर छोड़ नहीं जाती, छड़ी देखकर छोड़ी। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर जाए ना अपने रूम में। अजीब आदमी है आप। चलो ठीक है, मैं आपका कहना मानता हूँ कि सिगरेट पीने से हजारों बीमारियां होती हैं, लेकिन मानना ही पड़ेगा सर। हाँ ठीक है यार, लेकिन अपनी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप नहीं। और वैसे भी मैं आपका कहना मान रहा हूँ, और मैं सिगरेट छोड़ने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आप मेरा पैकेट मुझे दे दीजिए प्लीज। कमजोर है आप, अगर आप अब नहीं छोड़ सकते तो कभी नहीं छोड़ सकते। ये होटल तो जरूर छोड़ सकता हूं। सर आप बाहर नहीं जा सकते सर। क्या सर,
जब तक आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ देते आप बाहर नहीं जा सकते। सर, मेरे ख्याल से 6 महीने में मैं आपकी आदत छुड़वा सकता हूं। 6 महीने की तो बात है सर। अच्छा, तो 6 महीने के लिए मैं यहां आपके साथ रहूंगा। जी सर। लिसन यू क्रेजी। सर अगर मैं आपको मारूंगा ना, आपकी भलाई के लिए मारूंगा, सच बोल रहा हूं सर। ये क्या कर रहे हैं आप, पागल तो नहीं हो गए हो? एक सिगरेट की वजह से आपने गन निकाल दी? सर क्या है ना सर, जितने लोग गोली से नहीं मरते ना उतने सिगरेट से मरते हैं सर। देखिए प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर। प्लीज सर मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं, आप बाहर जाके सिगरेट पियोगे ना सर, मुझे मालूम है सर। देखिए मुझे जाने दीजिए, मेरा घर है, बीवी बच्चे हैं। बच्चे हैं सर आपके पास? कितने? तो बच्चों का सोचिए ना सर। सर यकीन मानिए मेरा, मैंने 70% लोगों को सुधार दिया है। और बाकी 30%? आइए आइए सर, आइए आइए सर, प्लीज कम। अरे कम आइए ना सर। चलिए सर, चलिए। माइंड योर हेड। ऊपर के कमरे में भी कुछ लाशें हैं सर। बहुत कोशिश की सर, लेकिन 6 महीने के बाद भी ये लोग अपनी आदत नहीं छोड़े। क्या करता सर आप बताइए। सर आप मेरा यकीन मानो, दुनिया से आदत छुड़वाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। और 6 महीने में मैं आपकी आदत छुड़वाऊंगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरे काम में मुझे मदद करने लगो। कितना अच्छा लगेगा ना सर, हम दोनों मिलकर दुनिया को इस गंदी आदत से छुटकारा दिला देंगे। एक रूम मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। एक एसी रूम दीजिएगा सर। आपका सर यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। सरकार द्वारा चालित यार रोमी, ये तो बहुत ज्यादा फार्फेच्ड स्टोरी है यार।
ऐसा थोड़ी ना कभी होता है, कोई किसी की स्मोकिंग हैबिट चेंज करने के लिए इतना पीछे पड़ जाता है क्या? मुझे तो उस होटल वाले का कैरेक्टर अच्छा लगा, सोशल सर्विस कम साइकोपैथ। लेकिन जो आदमी होटल में ठहरने आया वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इतनी जल्दी कहाँ यार, 6 महीने लगे। अरे 6 महीने में कोई इतना बदलता है क्या? डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, वैसे तो बदलने के लिए 1 रात ही काफी है। हे, मैंने किसी को देखा है वहां? अरे कोई नहीं है, वो तुम्हारा डर है। किसी को देखा है? ये ऐसे ही डरा रहा है यार। मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा है वहां। क्या यार सुमन, मैं ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। मैं हूँ क्या साथ गाड़ी तक? नहीं ठीक है, किसी को चाहिए क्या? नो थैंक्स यार। अच्छा ठीक है। ये रूमी है, आग तो बुझ रही है यार, कुछ लकड़ी डालना इसमें। उसके बाद जब तलाशी हुई तो मैगजीन निकली मिया अमर के बैग से। रोमी तू बैठ, मेरे को स्कूल से एक बात याद आई, तू बैठ। चल तू अभी अपनी कहानी सुना ले, पर इसकी और कहानियां सुनाऊंगा मैं बाद में। हाँ, ये कहानी है सेंट जोसेफ स्कूल की, जहाँ पर दयाशंकर पांडे नाम के बच्चों को पढ़ाने वाले एक टीचर हुआ करते थे। आज भी होमवर्क नहीं किया तुमने? इधर आओ, जल्दी आओ, हाथ बाहर निकालो। होमवर्क बाहर निकालो। इधर आओ, चलो हाथ आगे करो। इधर आओ, यहाँ खड़े हो, हाथ बाहर निकालो।
पांडे साहब, आप कुछ खोए खोए सा लगते हैं। वो सेकंड स्टैंडर्ड में वो लड़की पढ़ती है प्रमिला। क्यों, क्या हुआ उसे? नहीं, पहले वो होमवर्क नहीं करती थी, आजकल होमवर्क करने लगी है। तो परेशानी की क्या बात है? शायद उसके घर वाले उसकी मदद करते होंगे या फिर ट्यूशन लेती होगी। कुछ कुछ कहने के लिए बुलाया है? आमतौर पे पेरेंट्स को तब बुलाया जाता है जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं। प्रमिला होमवर्क करती है। प्रमिला अपना होमवर्क करके लाती है। मैं समझी नहीं। नहीं, पहले प्रमिला अपना होमवर्क नहीं करती थी, अब वो करती है। तो आप उसकी मदद करती हैं? नहीं, खुद करती हैं। हाँ। घर में और कोई नहीं जो उसकी मदद करता है? नहीं, वैसे तो कोई नहीं है। बट अगर वो होमवर्क अच्छी तरह कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, क्या है तो अब वो अपने होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखती है। तो आपको कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब सी क्या बात है? I'm very sorry, मैंने आपको परेशान किया। Oh!
There's somebody at the door. Huh. One sec. Dai Shankar Pandey. Teacher. Oh, one second. Can I call you back? Okay, bye. क्या है वो प्रमिला ने होमवर्क किया आप प्रमिला का होमवर्क देखने के लिए नहीं मैं देखना चाहता हूँ कैसे करती है देखिए मिस्टर पांडे मैं समझ सकती हूँ कि आप प्रमिला के टीचर हैं और उसके पढ़ाई में ध्यान देते हैं लेकिन किसी के घर नहीं प्लीज देखिए अगर आप होमवर्क देखने के लिए घर आएंगे तो होमवर्क का मतलब क्या है क्लासरूम में देखना चाहिए ना मैं देखना चाहता हूँ होमवर्क करती कैसे कैसे भी करती है आप कल क्लासरूम में देख लीजिए और इफ यू डोंट माइंड आप जाएंगे आई एम सॉरी कुछ नहीं वैसे आप आधे रात किसी के घर के अंदर क्या कर रहे नहीं वो मैं वो प्रमिला को देखने की कोशिश कर रहा था प्रमिला को ओह माय गॉड हाउ डेयर यू मैं पुलिस को फोन करती हूँ नहीं सुनिए देखिए पुलिस को फोन मत करिए मेरी बात सुनिए क्या क्या सुना है वो ये सब करने के बजाय बजाय वो भी मेरे बजाय वो हम जब सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे मेरा एक दोस्त था वरुण वो पढ़ने में होशियार था मैं बहुत कमज़ोर था वो हमेशा होमवर्क किया करता था और मैं कभी नहीं टीचर उसको प्यार करते थे और मेरी पिटाई लेकिन मैं अंदर ही अंदर उससे जलता था हम साथ साथ खेलते थे एक बार हम लोग छत पर पतंग उड़ा रहे थे पतंग लूटने के चक्कर में क्या हुआ छत से गिर गया ये सब बातों का प्रमिला के होमवर्क से क्या मतलब है वो अपनी होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखता था आप कहना क्या चाहते हैं प्रमिला पहले होमवर्क नहीं करती थी अब वो होमवर्क करने लगी है और करती ही नहीं बहुत अच्छे से होमवर्क करती है वो अपने होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखती है बिल्कुल वरुण की तरह देखिए हजारों बच्चे कई चीजें लिखते हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर मिस्टर पांडे मुझे लगता है आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है मैं भाग रहा हूँ शायद मैं पागल हो रहा हूँ और मैं कल ही डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ मुझे माफ करिएगा मैंने आपको तकलीफ दी आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी आई एम सॉरी
दया वरुण तुम पागल नहीं हो पर अब हो जाओगी जैसी करनी वैसी भरनी अच्छा हुआ कि मैंने कभी हिंदी की क्लास नहीं अटेंड की अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई वो लड़की प्रमिला हाँ हाँ वो हर पेज के ऊपर ओम क्यों लिखती थी भाई सुमन बहुत सरल है पांडे सर ने जिस बच्चे को मारा था उस बच्चे के भूत ने वापस आके पांडे सर से बदला लिया प्रमिला के रूप में ऑब्वियसली यार मगर वो भूत इतने सालों बाद आया क्यों क्या मैं भूत को फोन करूं क्या तुमने अपना होमवर्क किया ओ रोमी मैं बहुत डर गई ए, बस करो यार तुम लोग ये मजाक बंद करो यार वो दोनों लड़कियां इतनी देर से आई नहीं है जाके उनको ढूंढते हैं चलो तुम जाओ हम यहाँ ठहरेंगे तो ठीक है आप यहाँ ठहरिए मैं ढूंढ कर आता हूँ मैं होगी आपके साथ जी नहीं सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओके लड़कियों की कोई फिक्र नहीं है इसको भूख लगी है सैंडविच खाने जा रहे गाड़ी में तूने नेहा और मैनास को देखा क्या सर मैं आपसे बात कर रहा हूं ये क्या सारा वक्त ऐसे मुंह लटका के कितना डरा दिया उन तीनों को बेचारे जाके उस भूत के साथ बैठ गए गाड़ी में कितना बैंड बजा रहा उनका रियली लेकिन बहुत मजा आया यार सब लोग भाग के गाड़ी में सो गए मजा तो आया अच्छा अच्छा मैं एक कहानी सुनाता हूँ नहीं नहीं तू मत सुना पहले मैं सुनाता हूँ तूने सुना है ना सुन सुन अरे आई एम टेलिंग यू मेरी कहानी तेरी कहानी से बहुत अच्छी है मुझे सुनाने दे पहले ओके ओके पर पहले अमर की वेट कर ले क्या ठीक है अरे शुरू कर यार अगर उसे आना है तो आ ही जाएगा चलो ठीक है शुरू कर ही देता हूँ ये कहानी है गायत्री नहीं यार थोड़े एक्शन के साथ सुनाता हूँ थोड़े ड्रामे के साथ ये कहानी है गायत्री की गायत्री एक हाउसवाइफ थी उसका हस्बैंड एक ऑफिस में काम करता था
एक दिन गायत्री निकली घर से बाजार की ओर सब्जी खरीदने। आप लीजिए। ये भी ला। अरे भैया जी, सेब कैसे दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए? 55 में दे दो। नहीं नहीं, 2 किलो लूंगी। आप 2 किलो लीजिए चाहे 10 किलो लीजिए, 60 रुपए से 1 पैसे कम नहीं होगा। आप क्या चाहिए आपको? 1 किलो चाहिए। एक एक आदमी एक एक करके बोलो ना यार, कितना मैं दे रहा हूँ मैं। हाँ 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ताजे सेब, ताजे सेब, 20 रुपए किलो। आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ। आराम से आराम से, सबको मिलेगा। गई गई मत कीजिए, सबको मिलेगा। एक एक करके, एक एक करके। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। पैसे अपने हाथ में रखिए। 20 रुपए किलो। मैम साहब कितने दूं? मैम साहब आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ। ये सेब ठीक तो है ना? एकदम अच्छे। एक बार सेब खाएंगी तो मेरे पास ही आएंगी। एक बार ये देखिए, ये देखिए, अरे ये देखिए। बस 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 बस, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 15 में दे दो। मेम साहब मुफ्त में लेना है क्या आपको? 15 में दे दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या? 3 किलो लूंगी। ठीक है मेम साहब, थैला खोलिए, ले जाओ। मेम साहब आप भी याद करोगी। 20 रुपए। दस रुपए किलो। जल्दी करो लूट मचा दो मेरे भाई, जल्दी करो। ये लीजिए भाई साहब। क्या बोला आपने? हाँ? आपने अभी 10 रुपए किलो कहा? हाँ तो? अरे अभी अभी तो आपने मुझे 15 में बेचे। अपनी मर्जी का मालिक हूँ समझी? देखने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन वो सेब वाला ऐसे क्यों देख रहा था? क्या रे कैसे दिए? उधर बहुत बेचकर आया हूँ साहब, 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो? 10 रुपए किलो। मजाक तो नहीं कर रहा था? अरे क्या साहब, आपसे क्या मजाक करूंगा, एकदम फर्स्ट क्लास माल है। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ। जरूर कुछ गड़बड़ है, भेज दूं या संजय का तो बात करूं? नहीं नहीं, वो मुझ पर हंसेगा। डर गई ना? हाय बेब्स, सॉरी आज फिर देर हो गई। ये काम काम काम। वाओ, व्हाट फ्रेश एप्पल्स यार। नहीं नहीं, खाना मत। क्यों, क्या हुआ? वो मैं खाना बना रही हूँ, इसीलिए अगर अभी सेब खा लिया तो भूख मर जाएगी। हाँ वो भी ठीक है, चलो तुम खाना बनाओ और मैं फ्रेश होके आता हूँ। एंड टुडे इज माय फेवरेट मैच। लवली मैन, 15 ओवर में 100 रन बने तो 300 पक्का आज। कम ऑन कम ऑन, 4 4 4 4। ओह शिट यार, लो गांगुली भी आउट हो गया। ब्लडी हेल, हमारी टीम का जवाब नहीं, जीता हुआ मैच हार जाती है। अब तो 250 भी नहीं बनेंगे। संजय,
डार्लिंग व्हाट्स रॉन्ग? सेब खाने से मना किया था ना मैंने, लेकिन क्यों? वो मैं किसी और के लिए लेके आई थी। अरे डार्लिंग, एक एप्पल से क्या फर्क पड़ता है? देयर इज सो मेनी मोर इन द फ्रिज, रिलैक्स। कैसा था? क्या वो एप्पल? क्या मतलब कैसा था? मेरा मतलब है टेस्ट कैसा था? बहुत मजेदार। क्या बात है डार्लिंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, शायद थोड़ी थक गई हूं। सो जाओ संजय, गुड नाइट। गुड नाइट। Oh!
आता हूँ। आखिरी बचा है, मुफ्त में दे दूंगा। नहीं सुधी नहीं, एप्पल मत खाना, एप्पल बन जाएगी। मैं नहीं, ये एप्पल गायब हो जाएगा। ओ ओके, तू डर गया ना? डर गया? अरे क्या बकवास कहानी, इससे अच्छी कहानी तो मैं तुझे सुना सकता हूँ, इससे भी डरावनी, समझा? क्यों, क्या तेरी कहानी में कोई सफेद साड़ी वाली है क्या, मोमबत्ती के साथ? अरे मैं तेरे को एक और कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है। मैं कहानी सुनाती हूँ। हाँ श्रुति सुनाना, पर डरावनी सुनाना प्लीज। बहुत रात हो चुकी थी, एक सुनसान सड़क थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। कहाँ जा रहे हैं? शहर, जहां तक छोड़ो, इफ यू कैन। थैंक यू। सीट बेल्ट प्लीज। नो इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं होगा, चलिए। सॉरी, रूल द रूल्स। सीट बेल्ट प्लीज। वहां क्या कर रहे थे? कहां? वहीं कब्रिस्तान के बाहर। इंतजार कर रहा था लिफ्ट का। हाँ, पर वहां करने क्या गए थे, वो भी इस वक्त? सुबह से वही था। सुबह से? हाँ। कब्रिस्तान में? हाँ, दिन में वही रहता हूं। कम ऑन, सीरियसली? आई एम क्वाइट सीरियस, दिन में वही रहता हूं मैं। वैसे आप केयर टेकर तो लगते नहीं हो, ना ही कोई पादरी लगते हो, और अब तक पागल भी नहीं लगते हो। ओह, व्हाट अ सॉन्ग, वेरी नाइस, ट्रेमेंडस ट्यून। इस ट्यून पे मैं और बीबी डांस किया करते थे। करते थे, अब नहीं करते? नहीं। क्यों, आई मीन व्हाई? डिवोर्स? डेथ, मौत। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। कब हुआ ये? 10 दिन पहले। बहुत प्यार करते थे उससे। किससे? अपनी बीवी से। इसलिए तो आप वहां पे उसकी कब्र पर जाकर। कमान, मेरी बीवी को क्यों मार रहे हो? वो जिंदा है, शी इज क्वाइट हेल एंड हार्टी। पर आप, आई मीन, अभी तो आपने, यू जस्ट टोल्ड मी, आप ही तो कह रहे थे कि 10 दिन पहले उसकी मौत हुई। उसकी नहीं, मेरी। मेरी क्या? तुम समझे नहीं,
मौत मेरी हुई है। सॉरी मेरी मौत पे तुम्हें हंसी आ रही है। I'm sorry. क्या है कि पहली बार मैं किसी भूत से मिल रहा हूँ। आज तक मैं कभी किसी भूत से मिला नहीं। फर्स्ट टाइम। बाय द वे भूत जी, नमस्कार, साष्टांग। मेरा नाम अमर है। आई एम जॉन रॉड्रिग्स। यू मीन लेट जॉन रॉड्रिग्स? यस, लेट जॉन रॉड्रिग्स। बैड जॉन रॉड्रिग्स लेट। मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं यार, यकीन तो आ रहा है इसमें है कि ऑफकोर्स आई बिलीव यार। आपका नाम लेट जॉन रॉड्रिग्स है। आप कब्रिस्तान में रहते हैं, दिन भर वहां सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, शाम को उठते हैं, सैर करने के लिए बाहर निकलते हैं, कोई मिल गया तो लिफ्ट ले लेते हैं। कहाँ जाने के लिए? शहर में। शहर में क्यों? दोस्तों से मिलने। अच्छा, आपकी तरह दूसरे वो। अच्छा जॉन साहब, ये बताइए कि आप ही दोस्तों के साथ करते क्या? बस तुम्हारी तरह हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, कभी कभार वक्त मिला तो फिल्म देखने चले जाते हैं, टिकट कटाते हैं। कैसे फ्री में? अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम और तुम्हारे दोस्त ये भूत इतना सब घूमते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, तो हम लोगों को नजर क्यों नहीं आते? तुम्हें दिखाई देते हैं लेकिन तुम जानते नहीं कि वो भूत हैं। जैसे कि अभी तुम जानते नहीं कि मैं क्या आप भूत हैं, राइट? ये भूत लफ्ज है वो कानों को बहुत खटकता है। यू कैन से स्पिरिट, या तुम क्या कहते हो, प्रेतात्मा। ओह ऑफ कोर्स सॉरी, प्रेतात्मा जी। तो प्रेतात्मा जी गायब होकर दिखाओ। मतलब गायब होकर दिखाओ, डिसअपीयर, शो मी। तुम्हें किसने कहा कि स्पिरिट गायब हो जाते हैं? कम ऑन जॉन, इतना तो सभी जानते हैं। जानते नहीं, मानते हैं। जब हम जिंदा होते हैं तो हम बहुत सोचते हैं लेकिन सही मायने में ये नहीं जानते कि प्रेतात्मा क्या है। मुमरा जा रहा हूं, कहां छोड़ना है बता दो। इट्स ओके फॉर मी मुमरा, काली हिल के कब्रिस्तान के बाहर रोक दो। कम ऑन जॉन, इनफ। क्या मजाक एक हद तक ठीक होता है, उसके बाद बोर करने लगता है, और अब तुम मुझे बोर कर रहे हो। एक्सक्यूज मी इनफ। अच्छा अब समझ में आया, तुम्हें डर लगने लगा है। व्हाट? तुम्हें डर लगने लगा है इसलिए तुम अपसेट हो। द रूट ऑफ एंगर इज ऑलवेज फियर। ओह व्हाट फियर, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हैं आप। देखो तुम आत्माओं में विश्वास नहीं रखते लेकिन तुम्हारा दिल जानता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सही है। देखिए मेरा दिल कुछ कुछ नहीं जानता है, मेरा दिमाग ये पूछ रहा है कि आप बार बार ये फालतू नाटक कर क्यों रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया कि आप प्रेत आत्मा है, ये बताइए मौत के बाद क्या होता है? मतलब मौत के बाद क्या होता है? I mean, आप भूत हैं, आपको जानना चाहिए ना क्या होता है। जजमेंट डे, कयामत, नर्क, स्वर्ग, क्या होता है बताएंगे? बताइए क्या होता है। इंतजार, एक लंबा सा इंतजार, कब छुटकारा मिले, कब मुक्ति मिले। दिस इज क्रेजी मैन। देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर मुक्ति। Nice meeting you. What is this? What is this? Shit, man. What is this, yaar? I'm sorry. You can. Is this I'm a joke? Sorry. I'm sorry. Take this. What is this, yaar? Please. क्या बेवकूफ है ये? क्या मजाक है? एक तो आपको लिफ्ट के ऊपर से ब्लडी नॉनसेंस करते जा रहे हो। मेरी बात समझ। क्या क्या बहुत सुन लिया आपकी बात। चलो उतरो गाड़ी से। Out. Please. Just get out. Just get out of my car, please. Listen to me. Listen. मुझे कुछ नहीं सुनना। Listen to me. भूत हो ना, उड़ के जाओ। Get out. मुझे कुछ नहीं सुनना। आप गाड़ी से उतरिए। तुम उतरते हो कि मैं उतारूं? हाँ?
गोली दिल के आर पार गई है, प्लीज। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, ये तो कुछ नहीं, मैं होता हूं। प्लीज डोंट गेट अननॉयड, ए अमर, प्लीज प्लीज बता कि मैं उधर उधर गाड़ी से अभी। अरे ए ए ए बकरा 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 यार, बकरा तुम एमटीवी पे हो? एमटीवी पे ये देखो कैमरा, एमटीवी पे ये देखो कैमरा कैमरा, प्लीज प्लीज। My crew is following me. But Cyrus कहाँ? Cyrus पुराना हो गया यार, लोग जानते हैं उसे। Great, great. आज तक इस ट्रिक से इतने लोगों को डराया, एक सेकंड के लिए नहीं डरे तुम। हाँ। क्योंकि मैं जानता था कि तुम भूत नहीं हो। अच्छा? तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं भूत हूं। ए कमान, अभी तुम शुरू मत हो जाओ। मैं भूत हूं। और जान भूत गायब होता है। नहीं झेलता तो क्या करता? मैं उस आदमी को मार मार के भूत बना देता और उसको अपने साथ ले जाता। चल चल, जब तू मरेगा ना ऐसे ही कर। अरे जब मैं मरूंगा ना तो वापस आऊंगा, तुझे मार मार के भूत बना दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। समझा? अच्छा तो मुझे एक बात बता, वो भूत उतर के विजय को क्यों मार रहा था? अरे देख, अब सोच के तू भूत है। अच्छा? नहीं मैं कह नहीं रहा कि तू भूत है, सोच के तू भूत है। और कोई आदमी तुझे आके बोलता है कि वो भूत है तो तुझे गुस्सा नहीं चढ़ेगा क्या? अरे भूत की इंसल्ट हो गई, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, उस बेचारे के इमोशंस हर्ट हो गए, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ये सब ठीक है लेकिन बारिश होने वाली है, ये लोग कहाँ गए हैं यार? मैं देख के आता हूँ। हम भी चलते हैं। नहीं नहीं आप लोग मत तकलीफ करिए, मैं अकेले ही जाके देखाऊंगा। क्या ए, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? तेरी शादी के बाद। मैं तुम्हारी शादी स्टॉप करा सकता हूँ, समझी तुम? इसमें ऐसे हंसने वाली बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसी एक कहानी याद आ गई थी। तो सुनाओ ना। कौन हो तुम लोग? आप? मैं आ रहा था। हमारी गाड़ी खराब हुई थी और देखा। यू कैन स्टे हियर, नो प्रॉब्लम। सुनाओ। क्या कहानी सुनाने वाले थे ना? कहानी वो क्या है कि हम जाने वाले थे, हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। hey, और इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। सुनाओ ना यार कहानी, सुनाओ कहानी। पर अरे सुनाओ ना, सुनाओ। अच्छा ये कहानी है पूरब की, कोई भी उसकी केयर नहीं करता, वो बेचारा जिंदगी से बहुत निराश हो रहा है। Thank you.
स्टॉप। आगे मूव। ये स्कूल के गेम्स खेलना कब बंद करोगे? हाँ? क्या हुआ? क्या? क्या? डिच क्यों किया मुझे? मैंने कहा डिच किया। ऑफ कोर्स मुझे डिच किया। कम ऑन। एक्सक्यूज मी अभिलाषा। तुम्हारा रुमाल। थैंक्स। पूरब। पूरब। दे लेट्स गो। अरे क्या करता रहता है ये लड़का बाथरूम में बैठकर? अरे सो गया क्या? पूरा एक नंबर का इडियट पैदा किया है तुमने। तुझे मालूम नहीं मुझे देर हो रही है? चल हट उधर। लड़का चाहता क्या है? अगर यही हाल रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा ये। बहुत हो गया तेरे मुकाबला, मरना है कि नहीं पूछा। You're a loser. तू एक बहुत बड़ा लूजर है। तू इतना बड़ा लूजर है कि अगर रेस में अकेला भागेगा ना तब भी लास्ट आएगा। तू जा, सो जा। तू घर जा, सो जा, सो जा। हंसो, हंसी आ रही है ना, हंसो। एक मैं हूं जिसकी जिंदगी और मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर तुम हो, अगर कोई भगवान है तो उसी भगवान ने मुझे बनाया, और अगर लोग मुझ पे हंसते हैं ना तो तुम पे भी हंसते हैं। क्यों क्यों मुझे इतना इतना मामूली, इतना बेमतलब बनाया? कुछ तो दिया होता मुझे, बस बस एक चीज जो किसी और के पास नहीं है। कुछ तो दिया होता, कुछ भी। अभिलाषा स्टॉप। नो आई मीन मूव। मैं पूरब, हम लोग कल मिले थे, वैसे तो हम लोग पिछले 3 साल से एक ही क्लास में। ओके बाय। क्या बात है सर? कल आपने रुमाल पकड़ाया था ना, और आज तो स्टॉप। नहीं वेरी फास्ट यू आर। नहीं देव, बात 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 बहुत फास्ट है आप। नहीं देव, बात बात ये है कि मैं क्या देव है? साले मार मार के ना पूरब से पश्चिम बना दूंगा मैं तुझे। हाँ क्यों बे, मेरी गर्लफ्रेंड नजर आई तुझे स्टॉप खेलने के लिए? नहीं नहीं, चल मेरे साथ खेल। चल चल खेल, मैं वो खेल खेल ना, चल खेल मेरे साथ। स्टॉप बोल, बोल स्टॉप स्टॉप।
देव, देव क्या हुआ देव? तुमने तो कहा था कि मैं स्टॉप कहूं, तो मैंने स्टॉप कह दिया। देव क्या हुआ? देव मूव। हाँ, क्या कह रहा था तू? स्टॉप ना, कम ऑन, से एसटीओपी स्टॉप, कम ऑन, से इट स्टॉप। देव क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं स्टॉप कहूं। देव मूव। देव यू देव स्टॉप। कुछ तो दिया होता, कुछ भी। एक चीज जो किसी और के पास नहीं है। अभिलाषा को हाथ लगाएगा, मुझे हाथ लगाएगा, मुझे हाथ लगाएगा, मुझे हाथ लगाएगा। अबे खंबे, तू मुझे मारेगा? अभिलाषा को सबके सामने कॉलेज में हाथ लगाता है, मुझे हाथ लगाता है, मुझे। चला मैं कौन हूं? मूव। स्टॉप। अभिलाषा, क्या चाहिए? तुम, जब से तुम्हें देखा है बस एक ही चीज चाहिए, तुम। I really love you a lot, अभिलाषा। बस आज के पहले तुमसे कहने का कॉन्फिडेंस नहीं था। You're mad. Go to hell. एक मिनट अभिलाषा, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो, अगर देव को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। Now let me go or I'll shout. Stop. देव से, प्रिंसिपल से भी कहना मत भूलना। नहीं, कैसे नहीं, कोई मजा नहीं।
अगर तुम भी मुझे तो मैं यहां कैसे पहुंची? मैं लाया हूं। क्या? लाइब्रेरी से अपने हाथों से उठाकर। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ। स्टॉप। मूव। अब बताओ तुम वहां से आए कैसे? आई मैं लाया। वो क्या है कि जब भी मैं स्टॉप कहता हूं ना, मूव, बात यह है कि आई कैन मेक एनीथिंग स्टॉप। मूव। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक मिनट। स्टॉप। आओ बाहर आओ, देखो। ये क्या है? जब चाहूं जिसे चाहूं रोक सकता हूं और जब चाहूं मूव करा सकता हूं। देखो, मूव। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस मीन्स अभिलाषा? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं? एक वक्त था जब तुम्हें देखता था तो वक्त रुक जाता था। अब मैं तुम्हारे लिए वक्त को रोक सकता हूं और सिर्फ मैं मूव कर सकता हूं। पूरा प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मैं यहां से जा रही हूं। यू कांट यू सी दैट आई लव यू? मैं जब चाहूं तुम्हें हासिल कर सकता हूं, पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए अभिलाषा, तुम्हारी खुशी चाहिए। ये सारी दुनिया मेरी है और मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। अभिलाषा, आई लव यू। अभिलाषा, डू यू लव मी? यस यस ऑफ कोर्स यस। आई लव यू लॉट अभिलाषा, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। ये कोई वक्त है घराने का? ये घर है घर, कोई होटल या सराय नहीं है जहां चले आते हो सोने और खाने। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। स्टॉप। देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मेरी उंगलियों में होगी। मैं चोरी कर सकता हूं, डाका डाल सकता हूं, खून कर सकता हूं, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। और अगर रोक भी लिया तो पकड़ नहीं सकता, अगर पकड़ लिया तो सजा नहीं दे सकता। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो I'll just say stop।
तुम्हें डांटना पड़ता है। अब ये क्या नाटक है? सीधे खड़े रहो। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी है? पूरा पूरा अरे क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ये क्या नाटक कर रहा है बेवकूफ। पूरा पूरा ये क्या हो गया इसे? बेटा पूरा पूरा कहानियां बहुत हो चुकी है सुमन, लेट्स गो। अच्छा हम चलते। अरे नहीं ऐसे कैसे, देखिए ये तो गलत बात है। अब आप लोगों ने कहानी सुनाई है, एक तो मैं भी सुनाऊंगा ना। प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए मेरी कहानी में एक शर्त है, इसमें डरना मना है। वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। सिली। एनीवे, तो ये कहानी है सात दोस्तों की जो कहीं घूमने जा रहे थे कि अचानक उनका टायर पंक्चर हो गया। अब क्या करें, वीराना अंधेरा, गाड़ी से उतरे तभी दूर उन्हें एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी को देखते देखते वो लोग पहुंच गए यहां। लेकिन अब रात कटे तो कैसे, तो दोस्तों ने एक दूसरे को कहानियां सुनाना शुरू किया और ये कहानियां सुनते सुनते सारे दोस्त एक एक करके बाहर जाने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, ही वॉज अ जीनियस। लेकिन हर जीनियस की एक ट्रेजेडी होती है और इस जीनियस की ट्रेजेडी थी कि वो लोगों के दिलों से डर निकालना चाहता था क्योंकि ये डर पूरी दुनिया को खत्म कर रहा है। लेकिन लोग हर नई चीज से डरते हैं, जैसे कि आपके दोस्तों का डर। जब यहां है तो कितने लोग थे, 6-7, लेकिन फिर भी डरे हुए सहमे हुए। मैंने देखा गाड़ी से उतरे तो पहले वीराने का डर, फिर अंधेरे का डर, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, डर का डर। और मुझे डर पसंद नहीं, आई कैन नॉट स्टैंड फियर, क्योंकि डर का सामना नहीं करो तो डर मार डालता है। लेकिन तुम्हारे दोस्तों को अब कभी डर नहीं लगेगा, मैंने उनका डर खत्म कर दिया है और उसका एक ही तरीका है, जो डरता है उसे खत्म कर दो। तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं। तुम्हें अब भी डर नहीं लग रहा है ना, क्योंकि तुम सोच रही हो कि यह भी एक कहानी है। लेकिन अगर ये एक कहानी ना हो तो तब तो डर लगेगा ना। उसे मर रहा होगा, यू सी मैंने पहले कहा था डरना मना है। ही ब्रोक थ्रू सो ही हैज टू गो नाउ, बट आई लाइक यू, तुम डरती नहीं हो, तुम अच्छी लड़की हो। रिलैक्स, आराम से आराम से। अब तुम्हें डर लगा? हाँ, thank you.
मारता है। बस बस अब डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा। कहा था मैं नहीं मारता। इंस्पेक्टर साहब सुनिए। इंस्पेक्टर साहब यही वो आदमी है जिसने मेरे दोस्त को मारा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? दोनों ही मर गए तो डरना कैसा?
जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। तीसरा क्रिस्पी सुन लो।